फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। राजधानी दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं संक्रमण दर भी बढ़कर 25% तक पहुंच गई है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में DDMA द्वारा पाबंदियों की नई किस्त लगा दी गई है। हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की बात नकारी जा रही है, लेकिन संक्रमण दर अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन लगाई जा सकती है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट के कारण सभी प्राइवेट दफ्तर को पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि DDMA ने एक नए आदेश के तहत कहा है कि दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद किए गए, केवल जरूरी काम करने वाले दफ्तर को ही छूट मिलेगी। सभी प्राइवेट दफ्तर के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अभी प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता पर चल रहे थे। इसके पहले भी DDMA ने 10 जनवरी को ही कई और सख्त पाबंदियां लगा की थी, जिसके तहत दिल्ली में भी सभी रेस्टोरेंट और बार बंद किए गए। अब रेस्टोरेंट से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेक अवे की ही सुविधा रहेगी। वो प्राइवेट दफ्तर जो कभी 50% क्षमता के साथ चल रहे थे, अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के ताजा आदेश के बाद अब ये लागू होगा। दिल्ली के झंडे वालान इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम प्राइवेट संस्थान हैं, सैकड़ों प्राइवेट संस्थानों के बीच में अब जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनको डर ये सता रहा है कि आखिर अब अगर प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे तो आने वाले वक्त में क्या उन्हें सैलरी मिलेगी भी या नहीं। और यही वजह है कि अब वो काफी ज्यादा जो है चिंतित महसूस कर रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि ताजा आदेश में ये भी कहा गया है कि जो एग्जेम्प्टेड है, जो एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, वो सभी खुले रहेंगे, जैसे प्राइवेट बैंक, कोरियर सर्विस और ऐसे ट्रिब्यूनल या अदालत से कामकाज से जुड़े वो संस्थान। ऐसे में साफ तौर पर जो प्राइवेट संस्थानों के बंद होने से उन्हें ज्यादा चिंता हुई है जो इसमें काम कर रहे थे। वहीं दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर पर पाबंदी के बाद से यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी है और उनका कहना है कि सरकार के पास पाबंदी को लेकर कोई विजन ही नहीं है। दिल्ली में आज प्राइवेट ऑफिसेज को बंद करने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय साफ तौर पर जल्दबाजी में लिया हुआ प्रतीत होता है। कोरोना जिस प्रकार से दिल्ली में बढ़ रहा है वो हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। दिल्ली के सभी व्यापारी संगठन अपने स्तर पर कोरोना से जूझ रहे हैं और सरकार के साथ भी सहयोग कर भी रहे हैं और अधिक सहयोग करना भी चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज में को बंद करने से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा, इस बात को ध्यान में जरूर रखना होगा। हमारा आग्रह दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल से है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और प्राइवेट ऑफिसेज में भी 50% लोगों को काम करने की इजाजत दी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में आने वाले इस तरह के ऑफिस खुल सकेंगे जिसमें प्राइवेट बैंक या RBI द्वारा नियमित संस्थाएं हो, जरूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर जिसकी लिस्ट जारी होगी, इंश्योरेंस मेडिक्लेम कंपनियां और नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फार्मा कंपनियों के दफ्तर जिसमें प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की जरूरत हो, सभी माइक्रो फाइनेंस ऑफिस और कुरियर सर्विस। अगर अदालतें खुली हैं तो वकीलों के दफ्तर को भी छूट मिलेगी। बता दें कि सरकार द्वारा दिल्ली में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए पहले ही काफी सख्ती की गई है। इसमें नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम देखने को फिलहाल नहीं मिला। अगर हम कोविड के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों में 19,166 नए कोविड के मामले सामने आए और 17 मरीजों की मौत हुई, जबकि दिल्ली में संक्रमण दर 25% पर पहुंच गई है और यहां टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।